नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शर्तें पूरी करने वाले कॉलेजों को ही मान्यता देने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने इस वर्ष इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 10,000 रूपये देने का लिया फैसला। बिहार के नारायण ठाकुर ने जकार्ता में चल रही एशियाई पैरा खेलों में 100 मीटर दौड़ के T35 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और भक्तिपूर्ण माहौल में आज से शारदीय नवरात्र शुरू। राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि शर्तें पूरी करने वाले महाविद्यालयों को ही मान्यता दें। उन्होंने कहा है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व महाविद्यालयों की गहन जांच की जाए। श्री टंडन ने कहा है कि निर्धारित शर्तों के आलोक में ही जांच के बाद संबद्धता के लिए प्रस्ताव अग्रसारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कुलपति ये सुनिश्चित करें कि जब तक राज्य सरकार से संबद्धता नहीं मिल जाती, कोई भी महाविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश न ले। श्री टंडन ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर अपने क्षेत्र के अंतर्गत संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची भी प्रदर्शित करें, ताकि विद्यार्थी किसी के बहकावे या भ्रम में नहीं आए। राज्य सरकार इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली सभी श्रेणी की अविवाहित छात्राओं को 10,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि देगी। ये राशि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में 2,49,85,60,000 रूपये को स्वीकृति प्रदान की है। योजना से राज्य की लगभग 2,49,856 लड़कियां लाभान्वित होंगी। वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 के छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए राज्य सरकार 3,000 रूपये देगी। राज्य के प्रखंड मुख्यालयों में मॉडल बस स्टैंड और ग्राम पंचायतों में बस स्टॉप का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही जिले के बस स्टैंड को आधुनिक रूप दिया जाएगा। पंचायतों में बस स्टॉप का निर्माण परिवहन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगा, जबकि प्रखंडों में मॉडल बस स्टैंड का निर्माण नगर निकाय कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अविलंब इन स्टैंडों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बने जेबरा क्रॉसिंग पर वाहन रुकते हैं कि नहीं, इसकी पड़ताल की जाए, और जो वाहन वहां नहीं रुके उन पर कार्रवाई की जाए। राज्य में बिक रही मछलियों के 10 नमूने केमिकल जांच के लिए कोलकाता स्थित लैब भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके पूर्व भी मछलियों को जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन पाए जाने के बाद एक बार फिर से मछलियों का नमूना इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा गया है। पटना के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने दोहरे हत्याकांड के एक मामले में 10 लोगों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 5,500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी आरोपित एक ही परिवार के सदस्य हैं। उधर भोजपुर जिले के ACJM 7 ने हथियार तस्करी के मामले में पिता, पुत्र और बहू को 3-3 साल की सजा सुनाई है। राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नल से जल की सुविधा दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में 5 और मध्य विद्यालयों में 7 नल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यपालक अभियंताओं को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक RPS रंजन ने बताया कि मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित किए जाने के बाद उनमें विज्ञान विषय के शिक्षकों की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। शारदीय नवरात्र का त्योहार आज से पूरे धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ शुरू हो गया है। इस अवसर पर लोग बड़े सवेरे से ही देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा शैलपुत्री के रूप में की जाती है। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में सवेरे से ही श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पटना के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी और छोटी पटन देवी, सारण के दिगवारा स्थित आमी मंदिर, गोपालगंज के थावे शक्तिपीठ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। माँ दुर्गा के भक्त आज से 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करेंगे। लोगों ने अपने घरों में कलश स्थापना कर पूजा की तैयारी शुरू कर दी है।
जकार्ता में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में राज्य के दरभंगा जिले के रहने वाले नारायण ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीता है। नारायण ने 100 मीटर दौड़ के T35 कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक प्राप्त किया। नारायण ने अपना पदक बिहारवासियों को समर्पित किया है। विजय हजारे ट्रॉफी के तहत 14 अक्टूबर को मुंबई के खिलाफ होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए बिहार टीम में 3 परिवर्तन किए गए हैं। अंडर 19 एशिया कप खेल रहे शब्बीर खान, हर्ष विक्रम और विजय भारती को टीम में शामिल किया गया है। ब्रुनेई में 20 अक्टूबर से आयोजित एशियाई महिला 7-a-side रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार की 4 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है। पटना नगर निगम 2500 किलोमीटर सड़क को मॉडल रोड में तब्दील करेगा। नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि 11 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर से शहीदों की याद में साइकिल यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल 10 जवान 14 दिनों में दिल्ली पहुंचेंगे, जहां 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे समारोह में शामिल होंगे। पटना जिले के दीघा थाने में तैनात एक एएसआई के अपशब्दों वाले वीडियो के वायरल होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि एक छापेमारी के दौरान एएसआई के महिलाओं को अपशब्द कहने का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। मधुबनी जिले के इंडो नेपाल सीमा पर पुलिस ने जांच के दौरान 20 किलो चांदी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित इमरजेंसी कॉलोनी में एक रेलकर्मी के पुत्र की आपसी रंजिश में चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य रेलकर्मी को अपराधियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिन्हें रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिन्दुस्तान ने गुजरात से बिहारियों के पलायन पर मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए सुर्खी लगाई है, बिहार के लोग मजबूती से रहें गुजरात में सीएम। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नहीं रुका बिहारियों का पलायन, अल्पेश की ठाकुर सेना पर कार्रवाई, 10 गिरफ्तार, घृणा फैलाने वालों पर क्राइम ब्रांच ने कसा शिकंजा। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, ऑडिट के लिए दस्तावेज न देने पर अनिल शर्मा समेत आम्रपाली के 3 निदेशक पुलिस कस्टडी में। प्रभात खबर ने कैबिनेट के फैसले को पहले पन्ने पर जगह देते हुए शीर्षक दिया है, बिहार में पॉलीथीन पर प्रतिबंध, 100 से 5,000 रुपए तक जुर्माना। राष्ट्रीय सहारा ने दलितों पिछड़ों को वाहन खरीद पर मिलेगा अनुदान को अपनी प्रमुख खबर बनाया है। अखबार आज लिखता है, मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शर्तें पूरी करने वाले कॉलेजों को ही मान्यता देने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने इस वर्ष इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 10,000 रुपए देने का लिया फैसला। बिहार के नारायण ठाकुर ने जकार्ता में चल रही एशियाई पैरा खेलों में 100 मीटर दौड़ के T35 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और भक्तिपूर्ण माहौल में आज से शारदीय नवरात्र शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में दूसरे दौर का मतदान जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में महालेखाकारों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आधुनिक लेखा तकनीकों को अपनाने पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को विश्व स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली में विशेषज्ञता लाने का आह्वान किया। चक्रवाती तूफान तितली के असर से ओडिशा के कई तटवर्ती इलाकों में आज सुबह से वर्षा। भारतीय मूल की अमरीकी राजनयिक निकी हेली ने संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी दूत के पद से इस्तीफा दिया। नवरात्रि का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ शुरू। और मलेशिया में सुल्तान जौहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी।
जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में दूसरे दौर का मतदान आज हो रहा है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी शालीन काबरा ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में बताया कि राज्य भर में 544 मतदान केंद्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। पोलिंग पार्टीज ने टाइम पे सब कुछ कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑलरेडी सुबह सुबह से हम लॉन्ग क्यूज विटनेस कर रहे हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। लोग सुबह से लाइन में हैं और सभी जगहों पर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितने भी हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर बकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी पोस्ट किया गया है। दूसरे चरण का मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहले से तैनात सुरक्षा बलों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की 400 और कंपनियां राज्य भर में तैनात की गई हैं। जम्मू कश्मीर में स्थायी निकायों के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। लोग भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जम्मू प्रांत की अगर बात करें तो यहां पर 6 जिलों किश्तवाड़, रामबन, डोडा, रियासी, कठुआ और उधमपुर में आज वोट डाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में 30 स्थायी निकायों के लिए 384 वार्डों में मतदान शुरू हो चुका है। सुरक्षा की अगर बात करें तो आज ऐसे क्षेत्रों में मतदान हो रहा है जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। दूसरे चरण में 1029 उम्मीदवार मैदान में है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में महालेखाकारों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में देशभर के महालेखाकार हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में लेखा परीक्षा को और अधिक कारगर बनाने तथा सार्वजनिक खर्च में जवाबदेही बढ़ाने में अत्याधुनिक लेखा परीक्षा तकनीकों को अपनाने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि सम्मेलन में अपना वक्तव्य रखेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन कल वित्त मंत्री अरुण जेटली अधिकारियों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 4 मंथन सत्रों में लेखा परीक्षा नियोजन, लेखा परीक्षा क्रियान्वयन और डिजिटल माहौल में लेखांकन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को विश्व स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली में विशेषज्ञता की जरूरत बताई है। गृह मंत्री ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अपने पेशेवर कौशल और क्षमताओं में वृद्धि के लिए पुलिस अधिकारियों को उनकी रुचि के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के 2017 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अपने पेशेवर कौशल और क्षमताओं में वृद्धि के लिए पुलिस अधिकारियों को उनकी रुचि के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। गृह मंत्री ने युवा पुलिस अधिकारियों से टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे बदलावों और साइबर अपराधों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करने को कहा। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। उत्तराखंड में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। ये योजना कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए शुरू की गई है। हमारे देहरादून संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। लोग अब बेटियों के महत्व को समझने लगे हैं और बेटियों की शिक्षा के प्रति भी अब विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस योजना से बालिकाओं को भी समाज में विशिष्ट स्थान मिला है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा के राजकीय इंटर कॉलेज खरसाड़ा की छात्रा मेघा रावत का कहना है कि इस योजना से बेटियों की स्थिति बेहतर हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। वहीं जिले की ढालवाला निवासी आयशा बिजरवाल का कहना है कि जब से बेटियों के हित में योजना शुरू हुई है तब से बेटियों में अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो शुरू हुआ है इससे पूरे समाज में बहुत अच्छा संदेश मिला है। और जैसे कि बेटियों को पहले पढ़ाया नहीं जाता था, भेदभाव किया जाता था, लड़कों को सबसे आगे किया जाता था और इस संदेश से बेटियों को सबसे आगे किया जाता है। सबसे पहले आगे लड़कियां खड़ी होती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य लड़के लड़कियों के बीच होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है, जिसमें ये योजना सफल साबित हो रही है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान तितली के ओडिशा आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के साथ ही तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बहुत भारी वर्षा होने की आशंका व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और इनके और तेज होकर 125 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाने की आशंका है। ओडिशा सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।
ओडिशा सरकार ने तूफान से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने गजपति, गंजाम, पुरी और जगतसिंहपुर जिलों में स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र आज से बंद रखने के आदेश दिए हैं। सरकार ने 15 जिलों के जिलाधीशों को सतर्क रहने और स्थिति से निपटने के हर संभव उपाय करने को कहा है। विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने बताया कि बचाव कार्यों में मदद के लिए 300 मोटर नौकाओं की व्यवस्था की गई है। 879 तूफान और बाढ़ राहत केंद्र तैयार रखे गए हैं। संबलपुर से SN पटनायक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। भारतीय मूल की अमरीकी राजनयिक निकी हेली ने संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी दूत के पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके इस्तीफे की औपचारिक रूप से जानकारी देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। सुश्री हेली ने कहा कि वे इस वर्ष के अंत तक अपना काम करती रहेंगी। नवरात्रि का पर्व आज से श्रद्धा और आस्था के साथ शुरू हो गया है। लोग बड़े सवेरे से ही देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा शैलपुत्री के रूप में की जाती है। अमेरिका के दक्षिणी राज्य फ्लोरिडा के तट की ओर बढ़ रहे समुद्री तूफान माइकल के और जोर पकड़ने के बाद इसे 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला तीसरे स्तर का भीषण तूफान घोषित कर दिया गया है। अलबामा, फ्लोरिडा और जॉर्जिया में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से मुकेश कुमार। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। कल भारत ने जापान को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत 9 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। उधर जकार्ता में एशियाई पैरालंपिक खेलों में तीसरे दिन कल भारत ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते। भारत 6 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 28 पदक लेकर तालिका में 9वें स्थान पर है। इस बीच ब्यूनस आयर्स में युवा ओलंपिक खेलों में कल भारत की मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और जेरेमी लालरिंगवा ने भारोत्तोलन में 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी NIA ने माओवादी उग्रवाद के लिए धन उपलब्ध कराने के सिलसिले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में 15 स्थानों पर छापे मारे हैं। झारखंड पुलिस की मदद से NIA के 15 दलों ने कल विभिन्न कंपनियों के प्रबंधकों के आवासों और कार्यालयों में तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान NIA ने भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद चंद्रिका। आरपाली समूह के 3 निदेशक पुलिस हिरासत में, आज अधिकांश अखबारों की बड़ी सुर्खी बनी है। शीर्ष अदालत की तल्ख टिप्पणियों को राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स और देशबंधु ने विस्तार से दिया है। दैनिक जागरण ने इसे अदालत की कठोर कार्रवाई कहा है। अमर उजाला ने लिखा है गुजरात के मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वे गुजरात में सुरक्षित हैं। पत्र ने लिखा है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। हिंदुस्तान लिखता है गुजरात के घटनाक्रम पर सियासत गरमाई। अखबारों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इस रिपोर्ट को भी अहमियत दी है कि 2019 में भारत के 7.3% की वृद्धि दर हासिल करने का अनुमान है। दैनिक जागरण ने लिखा है भारत तेज गति से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं का रुतबा फिर हासिल करेगा। दैनिक ट्रिब्यून ने इसे आरोपों से इतर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर बताया है। जनसत्ता ने प्रतिभूति बाजार में विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी को बाजार की गिरावट का अहम कारण माना है। इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है तेल उत्पादन में करीब 3.5% की कमी, सरकार को आयात पर अधिक डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है आधार के असर से गायब हो गए 80,000 फर्जी शिक्षक, ये मामले निजी संस्थानों से जुड़े हैं। देशबंधु और कुछ अन्य अखबारों ने लिखा है संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल की अमरीकी दूत निक्की हेली ने इस्तीफा दिया। दैनिक जागरण की खबर है संयुक्त राष्ट्र में विश्व में पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की इस पहल पर मुहर लगाई कि 2023 होगा मोटा अनाज वर्ष। चीन, रूस और अफ्रीकी देशों ने भारत का समर्थन किया। राष्ट्रीय सहारा राजस्थान पत्रिका के पहले पन्ने की खबर है पन्ना की खदान में 2 मजदूरों ने खोजा दुर्लभ किस्म का 2 करोड़ का हीरा, सरकारी खजाने में जमा कराया। शारदीय नवरात्र आरंभ होने पर आज अखबारों ने आकर्षक सज्जा के साथ आलेख दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में दूसरे दौर के मतदान जारी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में महालेखाकारों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आधुनिक लेखा तकनीकों को अपनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को विश्व स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली में विशेषज्ञता लाने का आह्वान किया है। चक्रवाती तूफान तितली के असर से ओडिशा के कई तटवर्ती इलाकों में आज सुबह से वर्षा शुरू हो गई है। भारतीय मूल के अमरीकी राजनयिक निकी हेली ने संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी दूत के पद से इस्तीफा दे दिया है। नवरात्रि के पर्व का श्रद्धा और आस्था के साथ शुभारंभ और मलेशिया में सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।